नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 और 8 बोर्ड परीक्षा परिणाम के बारे में। साथियों, परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। नवीन प्रावधान और मापदंड के बारे में हम बात करेंगे। शिक्षक और संस्था प्रधान दोनों के लिए यदि परीक्षा परिणाम अच्छा रहता है तो मिलेगा प्रमाण पत्र, और यदि न्यून रहता है तो मिलेगा 17 सीसी का नोटिस। तो देखिए नए मापदंड कौन से हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आदेश हमारे पास है ये जारी हुआ है 27/9/2022 को। इसमें दिया गया है कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम से संबंधित पूर्व में जारी परिपत्र शिविरा जो मापदंड हैं उनके क्रम में नवीन प्रावधान और आवश्यकताओं को सम्मिलित और अद्यतन करते हुए कक्षा 8 और 5 के जो संस्था प्रधान और शिक्षक हैं उनके लिए नवीन जो मापदंड है वो जारी किए जा रहे हैं। यह मापदंड कक्षा 8 और 5 के परीक्षा परिणाम 2022 के परीक्षा परिणाम से प्रभावी होंगे। इस संबंध में जो निर्देश हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो यहाँ सबसे पहले संस्था प्रधान के लिए जो निर्देश है, सबसे पहला निर्देश यहाँ है, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम विद्यालय का कक्षा 5 और 8 के परिणाम में 90% या फिर अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर जो संस्था प्रधान है उनको विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये कक्षा 8 और 5 दोनों के लिए है। उसके बाद में यदि न्यून परीक्षा परिणाम रहता है तो विद्यालय 8 और 5 का जो परीक्षा परिणाम है उसमें 50% या उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त होती है तो संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पर एक बात दी गई है, नोट करके बात दी गई है, कौन सी बात है, यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा 5 और 8 1 में से उपयुक्त मापदंड के अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परंतु दूसरी परीक्षा में जो मापदंड है उसमें जिसके लिए जो 17 सीसी का नोटिस दिया जा रहा है तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि यदि 5 और 8 में से यदि एक में आपका परिणाम कम है और एक में आपका परिणाम अच्छा है तो आपको जो प्रमाण पत्र है वो नहीं दिया जाएगा। श्रेष्ठ का प्रमाण पत्र है वो केवल दोनों में यदि श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है तो ही दिया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं शिक्षक की, तो यहाँ पर शिक्षक साथियों के लिए जो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है 5 और 8 में अध्यापन किए जा रहे जो विषय हैं उसमें 95% या फिर अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए शिक्षक को विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। जो शर्त संस्था प्रधान के लिए थी वो यहाँ पर शिक्षक के लिए भी लागू है। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में 8 और 5 परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए, न्यून परीक्षा परिणाम में कक्षा 8 और 5 के में जो लेवल 1 और 2 के शिक्षक साथी हैं उनके लिए यहाँ 40% या अधिक विद्यार्थियों के द्वारा ई ग्रेड प्राप्त होती है तो यहाँ पर जो 17 सीसी का नोटिस है वो उनको दिया जा सकता है। यहाँ भी नोट करके एक बात लिखी गई है कि यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा कक्षा 8 और 5 में से एक विषय 2 या 2 से अधिक से अध्यापन कराने की स्थिति में उपयुक्त मापदंड के अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परंतु अन्य जो परीक्षा है उसमें जो मापदंड है वो न्यून हो तो उसके लिए जो प्रमाण पत्र है वो नहीं दिया जाएगा। क्रियान्वयन की जो रूपरेखा है उसमें क्या दिया गया है कि उपयुक्त मापदंड के अनुसार जो संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र या कार्रवाई नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्य पर विचार किया जाना यहाँ अनिवार्य होगा। तो सबसे पहले जो संस्था प्रधान या फिर शिक्षक है, तो यहाँ पर जो संस्था प्रधान और शिक्षक का जो सत्र है जुलाई से फरवरी संस्था में न्यूनतम 5 माह ठहराव है वो जरूरी है। शैक्षिक व्यवस्थार्थ अथवा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित यहाँ की जाएगी।
परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में करवाया जा रहा है तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उसी कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में जो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी है आकलित किया जाकर जो परिणाम है उसकी कैलकुलेशन यहाँ की जाएगी। शानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित यहाँ पर किया जाएगा। तो ये निर्देश है इम्पोर्टेंट। उसके बाद में जो सक्षम अधिकारी है संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जो संयुक्त निदेशक द्वारा दिया जाएगा। संस्था प्रधान राव प्रावी के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित जो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे जिस पर संयुक्त निदेशक द्वारा कार्रवाई यहाँ की जाएगी। शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा दिया जाएगा। अध्यापक ग्रेड थर्ड लेवल वन और टू के लिए जो न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के द्वारा ही की जाएगी। उसके बाद में यहाँ जो समय सारणी दी गई है ये पिछले साल की है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब जो समय सारणी जारी की जाएगी वो एक नए आदेश में जारी की जाएगी, तो आप इसको भी एक बार ध्यानपूर्वक देखें। तो ये थे सारे के सारे निर्देश जो कि श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम और न्यून परीक्षा परिणाम दोनों में प्रभावी होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।